एंड सोल्यूशन चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह वीडियो कक्षा 12वीं के लिए बनाई जा रही है, जिसमें चैप्टर का नाम है आप व्यू और प्रश्नावली 3.4 से आज मैं शुरुआत करूंगा। यानी प्रश्नावली 3.4 का आज पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस प्रश्नावली में व्युत्क्रम आप व्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि व्युत्क्रम अभिव्यूह ज्ञात करने की विधि क्या होती है और व्युत्क्रम अभिव्यूह क्या होता है। तो मैं ऐसे ही ओरली बता दे रहा हूँ कि व्युत्क्रम अभिव्यूह वह अभिव्यूह है जिस अभिव्यूह का किसी दूसरे अभिव्यूह में गुणा करने से तत्समक अभिव्यूह प्राप्त हो तो उसे हम व्युत्क्रम अभिव्यूह कहेंगे। परिभाषा एक बार और सुन लीजिए कि व्युत्क्रम अभिव्यूह वह होता है जिसका किसी अभिव्यूह में गुणा करने पर तत्समक अभिव्यूह प्राप्त हो तो उसे हम व्युत्क्रम अभिव्यूह कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं व्युत्क्रम अभिव्यूह ज्ञात करने की विधि। स्टेप वन मैंने लिख के रखा आप लोगों के लिए कि स्टेप वन का मतलब यदि कोई अभिव्यूह ए दिया है, मान लीजिए कोई अभिव्यूह दिया है और उसका व्युत्क्रम अभिव्यूह ज्ञात करना है तो उस अभिव्यूह को हम ए मान लेंगे, कैपिटल ए मान लेंगे और उसे लिखेंगे अभिव्यूह ए इक्वल टू आई ए। यानी जिस अभिव्यूह का व्युत्क्रम अभिव्यूह ज्ञात करना है उसे आप ए मान लीजिए। ए मानने के बाद उसको लिखिए ए इक्वल टू आई ए। अब ए का मतलब उस अभिव्यूह का मान लिख दीजिए, बराबर आई का मतलब एक तत्समक अभिव्यूह लिखिए जिसका मुख्य विकर्ण 1 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो। और फिर वही अभिव्यूह ए इधर भी लिख दीजिए आप। अब आपको क्या करना है, अब आपको अभिव्यूह ए के सभी तत्वों को यानी अभिव्यूह ए के सभी एलिमेंट को इस तरह से कैलकुलेशन करना है, जोड़ घटाना गुणा भाग करके इस तरह से कैलकुलेशन करना है कि उसके सभी अवयव शून्य हो जाएं और मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो जाएं। यानी अभिव्यूह ए को आप गुणा भाग जोड़ घटाना की प्रक्रिया करते करते अभिव्यूह आई के रूप में चेंज कर देंगे। जिस समय यह अभिव्यूह ए आई के रूप में बदल जाएगा उस समय आपका यह क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। यानी अभिव्यूह ए को अभिव्यूह आई के रूप में बदलते बदलते जब ये बदल जाए तब उसी लाइन में आपको रुक जाना है। तो ये जो अभिव्यूह आपको बी प्राप्त होगा, बी नया अभिव्यूह प्राप्त होगा, वही अभिव्यूह ए का व्युत्क्रम होगा। एक बार फिर से सुने, अभिव्यूह ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। अब इसके दोनों पक्षों में ए में और आई में इसको कैपिटल ए लिखे रहेंगे, ए और आई को चेंज करते जाएंगे दोनों पक्षों में एक ही साथ जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रिया करते जाएंगे। करते 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 जब ए को आई के रूप में आप बदल देंगे तो उस समय आपका आंसर आ चुका होगा। वो आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा बी। यानी अभी ए का व्युत्क्रम अभी बी होगा यदि बाएं पक्ष क्या हो जाए आई। आई का मतलब इस तरीके से हो जाए 1 0 0 1। यानी लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ आ जाए, ये चीज़ क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आई। इसको बोलते हैं क्या, आई तत्समक अभिव्यूह। एक ऐसा अभिव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण 1 हो बाकी सारे तत्व 0 हो तो उसे तत्समक अभिव्यूह कहते हैं। तो मैंने शुरुआत में बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं और स्टेप 3 में क्या लिख रहा है कि तब वह अभिव्यूह बी अभिव्यूह ए का व्युत्क्रम अभिव्यूह होगा। यानी जब आप इस कंडीशन में आ जाएंगे तब अभिव्यूह बी अभिव्यूह ए का व्युत्क्रम अभिव्यूह होगा। तो चलिए इन चीज़ों को यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, बोरियत लग रही है, तो मैं इस एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। और एक एग्जाम्पल नहीं, मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, प्रश्नावली 3.4 का पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। प्रश्नावली 3.4 से पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं और उसे सॉल्व करके आप लोगों को हम ये विधि समझा देते हैं। तो जो मैंने आपको तीन स्टेप बताए हैं उसमें स्टेप पहला क्या है, स्टेप पहला है कि इसको आप ए इक्वल टू आई ए के रूप में लिखिए। यानी इसको हम सबसे पहले मान लेंगे ए। अब हम पहला चरण यूज़ करेंगे ये वाला, ए बराबर आई ए लिखना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए इक्वल टू क्या, आई ए मैंने लिख दिया। ए की वैल्यू और आई की वैल्यू रखेंगे और इस वाले ए की वैल्यू नहीं रखेंगे। इस प्रक्रिया में व्युत्क्रम अभिव्यूह ज्ञात करने के लिए हम इसका और इसका वैल्यू रख देंगे।
इसका नहीं रखेंगे। ए का वैल्यू है 1 माइनस 1 2 3 और इक्वल टू, आई का वैल्यू सबको याद होता है, अगर नहीं याद है तो आज से याद कर लीजिए, आई का वैल्यू होता है 1001। आई को तत्समक आव्यूह कहते हैं और इसका वैल्यू नहीं रखना, इसको ऐसे ही रखना है। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को इस तरह से परिवर्तन करना, इस तरह से परिवर्तन करना, जोड़ घटाना गुणा भाग करके ये बाएं पक्ष का ए आई बन जाए, इक्वल टू ए आई कोई दूसरा अवयव बन जाए और ये ऐसे के ऐसे रह जाए, ठीक है। तो यानी ए को आई में बदलने के लिए क्या करना होगा, यानी इस चीज़ को आई के रूप में बदलने के लिए, यानी ये और ये जीरो करना होगा, वो इसको और इसको क्या करना होगा, वन। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आई का मान 1 1, मुख्य विकर्ण में 1 1 रहता है और ये वाला विकर्ण 0 0 रहता है। इस तरह से इसको आप ऐसा बदलिए जोड़ घटाना गुणा भाग करके कि ये और ये 1 1 हो जाए और ये क्या हो जाए, 0 0 हो जाए। तो इस काम को करने के लिए हम दोनों पक्षों में पंक्तियों में परिवर्तन करेंगे। क्या परिवर्तन करेंगे, पहली पंक्ति में यानी पहली पहले ही लाइन में हम क्या करेंगे, आर टू को बदलेंगे यानी दूसरी पंक्ति को बदलेंगे, किसमें, दूसरी में से पहले वाली का दूना घटाना यानी 2R1 करना है। दोनों पक्षों में ये काम होगा, ये काम दोनों पक्षों में होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, यानी आर टू को चेंज करना है तो जिसे चेंज करना हो उसको नहीं लिखेंगे, बाकी आर वन को नहीं चेंज करना, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना आर टू चेंज, इसका मतलब आर वन नहीं चेंज हो रहा इस बार, आर वन को नोट कर लीजिए ऐसे 1 माइनस 1 और इसका भी आर वन नोट कर दीजिए 1 0 और ए लिख लीजिए। आर टू बदलिए क्या करके, आर टू में से आर वन का दूना घटा करके, इसको बदलना है, इसका दूना घटाएंगे यानी 2 में से 1 का दोगुना, 1 का दोगुना होगा 2, 2 में से 2 घटेगा 0 और इसमें से इसका दूना घटाएंगे तो -1 का दूना होगा -2, 3 में से जब घटाएंगे -2 तो जाएगा +5 और इसमें से इसका दूना घटाएंगे तो -2, 0 में से 2 घटेगा तो -2 और इसमें से इसका दूना घटाएंगे तो 1 में से 0 घटेगा तो 1 आएगा। ध्यान देने वाली बात है, एक बार फिर से समझ लीजिए भाई, इसका इसमें से इसका दोगुना घटाए आप, 1 का दूना होगा 2 तो 0 में से 2 घटेगा -2 और 1 में से 0 का दूना घटाओ, 0 का दूना 0 ही होगा, 1 में से 0 घटेगा 0। आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। अब क्या करना है, ये 0 हो गया है और इसे भी 0 करना है, यानी मुख्य विकर्ण 1 और 1 होना चाहिए, यानी 5 को 1 बनाना है। जरा आप सोचिए 5 को 1 बनाएंगे कैसे आप, जब 5 से 5 में भाग देंगे तभी ना 1 आएगा। ध्यान से सोचिए, 5 को यदि 1 बनाएंगे आप, क्यों 1 बनाएंगे, क्योंकि मैंने स्टेप में बताया हुआ दूसरे स्टेप में कि ए को बदलना है आई के रूप में, यानी इसका मुख्य विकर्ण 1 1 करना है, ये 1 हो गया, इसको भी 1 करना है, तो इसको 1 बनाने के लिए इसमें इसी से भाग दे दो, यानी क्या करोगे, 5 में 5 से भाग दोगे, ये 5 क्या है, दूसरी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति दोनों पक्षों में बदल जाएगी। आर टू बदलेगा किसमें, R2/5 में, यानी R2 में 5 से भाग दे करके। चलिए कर लेते हैं, हम पहली पंक्ति नहीं बदल रहे, पहली वाली हम ऐसे लिख लेंगे, लिख लीजिए दूसरी पंक्ति मुझे बदलना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, नोटिस लिख दिया है, तो दूसरी पंक्ति बदलना है। R2/5 यानी इसमें 5 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा, 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें 5 से भाग देंगे तो -2/5 आएगा, इसमें 5 से भाग देंगे तो 1/5 आएगा, क्योंकि जो भी कार्य होगा वो दोनों पक्षों में होगा। अब क्या करना भाई, अब इसे 0 लाना है, तो इसे 0 लाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें यदि इसको जोड़ दें तो 0 आ जाएगा, इसमें इसको जोड़ दें तो 0 आ जाएगा। चलिए अब की बार हम R1 को बदलेंगे क्या करके, R1 में R2 जोड़ के, यानी अब की बार R1 आपको बदलना है, R2 नहीं बदलना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए R2 वाला 0 1। जिसको नहीं बदलना होता उसको पहले हम लोग लिख लिया करते हैं, इस बार R1 बदलना है, क्या करते हुए, R1 में R2 जोड़ते हुए,
चलिए इसमें इसको जोड़ के हम यहाँ लिखेंगे, वन में जीरो जोड़ेंगे तो वन आएगा, माइनस वन में प्लस वन जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। इधर आ जाइए, वन में माइनस एक दो बटे पाँच जोड़ दीजिए, एक में माइनस दो बटे पाँच जोड़ेंगे तो पाँच कितने, पाँच में दो जा 3/5, तो ये हो रहा कितना 3/5। और जीरो में 1/5 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 1/5 ही आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसे भी आप यहाँ लिख दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये है आई बराबर, ये कौन सा अवयव बन गया, ये कोई और अवयव बन गया जिसका नाम मैंने रख दिया बी, और ये आपका ए है। ये तीसरा स्टेप, सेकेंड वाला स्टेप आपका मिल चुका है। देख लीजिए आप, पहले वाले स्टेप को मैंने बदल दिया दूसरे स्टेप में, आई इक्वल टू बी ए में। ध्यान से देखें आप, ये हो गया आई, और ये इसको मान लो बी, और ये ए, आई इक्वल टू बी ए। जब इस तरीके से आ जाए तो बी क्या है, अभी ए का व्युत्क्रमावयव है। बी क्या है, अभी ए का व्युत्क्रमावयव, बी मतलब ये चीज, ए का व्युत्क्रमावयव क्या हुआ, ए हुआ। इसलिए ए इनवर्स यानी ए का व्युत्क्रम बराबर ये चीज मैं लिखूंगा, कितना है 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5, तो ये रहा इसका आंसर। तो व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा नया चीज़ है, आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तो व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो एक सवाल और कर लेते हैं इस वीडियो में, ताकि कोई डाउट रह गया हो तो वो 100% क्लियर हो जाए। तो अगला सवाल मैं करता हूँ, सवाल नंबर दो। अगला सवाल है कि दिया हुआ 2 1 1 1, इसका व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं ए, और जो अवयव का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करने वाला नियम है वो क्या है, ए इक्वल टू लिखना है आपको आई ए, ठीक। एक की जगह पर ये वैल्यू पुट करना है, 2 1 1 1, आई का वैल्यू आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, ये होता है 1 0 0 1। और बाद वाले का मान नहीं लिखना, ये लास्ट तक ऐसे लिखते 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 लास्ट तक जाएंगे, आंसर तक जाएंगे। अब आपने पहला काम कर दिया, क्या कर दिया, ए इक्वल टू आई ए लिख दिया। अब आपको दूसरा वाला स्टेप अपनाना है, आई इक्वल टू क्या करना है, बी ए के रूप में चेंज करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड ए को आप आई बनाएंगे। इसी में जो मेहनत करना हो वो आप कर लीजिए। ध्यान से देखें आप, आर वन को चेंज करेंगे, आर वन को आप चेंज करेंगे आर टू से, और आर टू को चेंज करेंगे आर वन से। चलिए हम लोग चेंज करते हैं आर टू को आर वन में, और आर वन को आर टू में, यानी ये वाली लाइन यहाँ लिख दें और ये वाली लाइन यहाँ लिख दें, दोनों में यही काम कर दें। पहले दोनों पंक्तियाँ केवल ऊपर नीचे आपस में अदला बदली हो रही हैं, तो नीचे वाला 1 1 ऊपर हो जाएगा 1 1, ऊपर वाला 2 1 नीचे हो जाएगा 2 1, इक्वल टू उसी तरीके से यहाँ भी 0 1 ऊपर 1 0 नीचे हो गया। अब अगले स्टेप पर बढ़ेंगे हम, ये 1 और 1 हो गया, अब इसको 0 करना है भाई, और इसको 0 करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इनको भी 0 करने की प्रक्रिया। आर टू को बदलेंगे आर टू में से 2 आर 1 घटा के, यानी आर टू बदला जाएगा आर टू में से 2 आर 1 घटा के। तो आर टू बदलना है, यानी आर वन को जैसे तैसे लिख देना है, आर वन को जैसे तैसे लिख देना है। चलिए आर टू को बदलना है ना दोनों पक्षों में, आर टू में से 2 आर 1, यानी आर वन का दूना घटेगा, इसका दूना इसमें से घटेगा तो कितना आएगा यहाँ 0, और इसका दूना इसमें से घटेगा, यानी एक का दोगुना 2 हुआ, एक में से 2 घटेगा तो -1, और इसका दूना इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 0 में से 1 जा, एक में से 0 घटेगा 1 ही आएगा, और इसका दूना इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा 2, 1 का दोगुना करेंगे तो 2 होगा, 0 में से 2 घटेगा तो -2। अब आर टू क्या करेंगे, आर टू को कर देंगे माइनस
R2 में, यानी R2 का चिन्ह केवल बदल देना आपको, वन वन इसका चिन्ह बदल देंगे तो यही रहेगा, इसका चिन्ह बदल देंगे तो प्लस वन हो जाएगा, और ये 0 1 इसका बदलेंगे तो माइनस वन होगा, इसका बदलेंगे तो प्लस टू होगा और इंटू ए रहेगा। तो यानी R2 का चिन्ह केवल बदल गया है, माइनस कर दिया गया दोनों पक्षों में। अब आगे क्या करना, अब आगे देखते जाए, आगे करना R1 को बदल देना है, R1 में से R2 घटा के। अब बगल में ही कर दूं क्या, नहीं इधर करता हूँ, इधर की लाइन है। अब इसको बदल देना क्या करके, R1 बदल देना है R1 में से R2 घटा के। चलिए जिसको बदलना है उसको नहीं लिखेंगे, बाकी नीचे वाला लिख लेते हैं हम, नीचे वाला सॉरी ये वन है, लिख लिया जा रहा है। R1 बदलना, R1 में से R2 घटा के, यानी इसको हटा देना है इसमें से, इसको घटा के, एक में से 0 जाए 1, एक में से घटेगा 0 और 0 में से 1 घटेगा तो प्लस वन आएगा, एक में से 2 घटेगा तो -1 आएगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि क्या आ चुका है, यहाँ पर आपको मिल गया क्या, i इक्वल टू b a के रूप में हो गया। तो b क्या है, a का व्युत्क्रम आव्यूह, इसलिए a इनवर्स इक्वल टू b, b का मान ये वाला है, b का मान क्या है, ये वाला आव्यूह है, 1 -1 -1 2। तो ये रहा इसका आंसर। आज की वीडियो ये मैं यहीं समाप्त करता हूँ और फिर मिलूँगा अगले दिन अगले सवाल के साथ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको हमारी वीडियो मिलती रहे, हर रोज़ आपके मोबाइल में हमारी वीडियो का लिंक पहुँचता रहे। अगर आप वीडियो लाइक करना चाहते हैं तो लाइक भी कर दीजिए, नहीं तो डिसलाइक ही कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। धन्यवाद।